रेशमा पठान। हमारे दर्शकों में से अधिकतर ने इनका नाम तक कभी नहीं सुना होगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग रेशमा पठान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रेशमा पठान वो पहली शख्स हैं जिन्होंने महिला होकर भी फिल्मों में स्टंट करना शुरू किया था, और जिस वक्त इन्होंने फिल्मों में स्टंट वुमन की हैसियत से अपना करियर शुरू किया था, उस वक्त लोगों के लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो रहा था कि कोई औरत फिल्मों में खतरनाक स्टंट कर रही है। आज आप रूबरू होंगे भारत की पहली स्टंट वुमन रेशमा पठान से। रेशमा पठान की जिंदगी की कहानी यूं तो एक फिल्म के जरिए दिखाई जा चुकी है, लेकिन उस फिल्म की पहुंच आम लोगों तक नहीं बन सकी और रेशमा पठान अब भी करोड़ों सिने प्रेमियों के लिए अनजान है। रेशमा का जन्म मुंबई के मोहम्मद अली रोड के पास पाईधुनी इलाके में रहने वाले एक कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार में हुआ था। 5 भाई बहनों में रेशमा सबसे बड़ी थी। चूंकि परिवार बेतहाशा गरीबी का शिकार था, तो ये अपनी माँ के साथ गुजरात के वापी से सस्ते दामों में चावल, कपड़ा और दूसरे सामान खरीद कर मुंबई में घर घर बेचा करते थे। हालांकि उस जमाने में मुंबई में घर घर जाकर चावल बेचना अपराध था और इसे स्मगलिंग कहा जाता था। यही वजह है कि एक दिन इन्हें और इनकी माँ को पुलिस ने चावल बेचते पकड़ लिया और 2 दिनों तक इनकी माँ को थाने में बैठा कर रखा। रेशमा भी थाने के बाहर अपनी माँ के इंतजार में बैठी रही। 2 दिनों बाद जब एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि ये बच्ची बिना कुछ खाए पिए ही यहीं बैठी है, तो उसने इनसे पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगती? रेशमा ने पुलिस वाले से कहा, जो घर में खाना बनाती है उसे तो तुमने बंद कर दिया है, क्या खाऊंगी मैं? ये सुनकर उस पुलिस वाले को इन पर तरस आया और उसने इनकी माँ को छोड़ दिया। पुलिस वाले ने इनसे कहा कि अब दोबारा ये काम मत करना, लेकिन रेशमा ने पुलिस वाले को जवाब दिया कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? रेशमा की ये बात सुनकर पुलिस वाले को काफी अजीब तो लगा, लेकिन उसने इन्हें कुछ नहीं कहा। रेशमा जब माँ के साथ घर वापस पहुंची तो इनके छोटे भाई बहन और इनके पिता बहुत खुश हुए। इनके पिता सड़क पर फाउंटेन पेन बेचा करते थे, लेकिन उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकते। इसी मजबूरी में रेशमा की माँ को चोरी छिपे चावल बेचना पड़ता था। छोटी उम्र से ही रेशमा को लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो छोटे बाल रखती थी, लड़कों की तरह पैंट कमीज पहना करती थी, अपने उम्र के बच्चों पर दादागिरी करती थी, कई तरह की उछल कूद भी किया करती थी, और उछल कूद करने की इन्हीं आदतों ने रेशमा को भारत की पहली स्टंट वुमन बना दिया। हुआ कुछ यूं था कि उस जमाने के नामी स्टंट मास्टर एस अजीम ने एक दिन सड़क पर रेशमा को देखा। उस वक्त रेशमा कभी स्कूटर के ऊपर से तो कभी दीवार से कलाबाजियां करते हुए कूद रही थी। एस अजीम को लगा कि इस लड़की में काफी गट्स हैं। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये फिल्मों में बढ़िया स्टंट कर सकती है। वैसे भी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कोई महिला स्टंट नहीं करती थी, अक्सर स्टंटमैन ही औरतों वाले कपड़े पहनकर अभिनेत्रियों के स्टंट सीन्स कर दिया करते थे। एस अजीम ने रेशमा से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में स्टंट करोगी? एस अजीम का यह ऑफर सुनकर पहले तो रेशमा बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्हें अपने पिता का ख्याल आया तो उन्होंने एस अजीम से कहा, अपा नहीं मानेंगे। फिर एस अजीम ने रेशमा से कहा कि उन्हें ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, एस अजीम तो खुद रेशमा के साथ उनके पिता से मिलने भी गए, लेकिन रेशमा के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। एस अजीम की बातों ने रेशमा को फिल्मों में स्टंट करने के लिए बहुत हद तक प्रेरित कर दिया था। वो किसी भी हाल में अपनी किस्मत को एक दफा ये मौका देना चाहती थी। उन्होंने किसी तरह अपनी माँ को इस बात के लिए राजी किया कि वो दोनों बिना पिता को बताए किसी दिन स्टूडियो जाकर शूटिंग देखने जाएंगे। अगर काम समझ में नहीं आया तो
वहीं से वापस लौट आएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ इस बात के लिए राजी हो गई और एक दिन ये दोनों माँ बेटी फेमस स्टूडियो पहुंच गई। मगर उस दिन इनके मोहल्ले में रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर ने इन्हें देख लिया और उसने इनके पिता को इन दोनों के स्टूडियो में जाने की बात बता दी। और फिर जब ये दोनों वापस अपने घर पहुंची तो रेशमा के पिता इन पर बहुत बुरी तरह भड़के। उन्होंने रेशमा की पिटाई भी कर दी। मगर जब रेशमा ने घर में चल रही परेशानियों का हवाला दिया और पिता को भरोसा दिया कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगी तो उनके पिता, जो कि खुद भी बीमार थे, मान गए और उन्होंने रेशमा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त आखिरकार दे ही दी। पिता की इजाज़त मिलने के बाद रेशमा निकल पड़ी फिल्मी दुनिया में पैसा कमाने, क्योंकि जिस काम में वो जा रही थी वहाँ पहचान तो उन्हें मिलनी ही नहीं थी। एस अजीम की मदद से रेशमा को पहली दफ़ा राखी और हथकड़ी फिल्म में काम मिला था। उस फिल्म में आशा पारेख डबल रोल में थी और चूंकि रेशमा का फिगर आशा पारेख से काफ़ी मिलता जुलता था तो उन्हें इस फिल्म में आशा पारेख के बॉडी डबल के तौर पर रख लिया गया। इत्तेफाक से रेशमा पठान जिस स्टूडियो में राखी और हथकड़ी फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी उसमें एक खिलाड़ी 52 पत्ते नाम की फिल्म की भी शूटिंग चल रही थी। ये फिल्म रवि खन्ना डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म में विनोद खन्ना जैसे बड़े स्टार भी नजर आने वाले थे। फिल्म में अभिनेत्री लक्ष्मी छाया बिजली के किरदार में थी और उन्हीं के ऊपर एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया जा रहा था जिसमें उनके बॉडी डबल की मदद ली जा रही थी और लक्ष्मी छाया का बॉडी डबल एक लड़का था। लगभग 12 टेक देने के बाद भी वो लड़का सही से सीन शूट नहीं कर पा रहा था। तब एक्शन मास्टर और रेशमा के गुरु एस अजीम रेशमा को लेकर रवि खन्ना के पास गए और बोले कि इस लड़की से ये सीन शूट कराया जाए। मगर डायरेक्टर रवि खन्ना को लगा कि ये लड़की है, ये भला कैसे कोई एक्शन सीन शूट कर पाएगी। उन्होंने पहले तो मना कर दिया लेकिन जब एस अजीम ने जोर देकर कहा कि ये लड़की एकदम परफेक्ट है तो रवि खन्ना ने रेशमा को एक मौका देने का फैसला कर लिया। रेशमा का मेकअप किया गया, उनको एक ड्रेस भी पहनने के लिए दी गई। उस ड्रेस में रेशमा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लोग उनकी खूबसूरती की भी तारीफें कर रहे थे। लेकिन पहली दफा किसी फिल्म में स्टंट करने जा रही रेशमा मन ही मन बहुत घबरा रही थी। हालांकि किसी तरह रेशमा ने अपनी घबराहट पर काबू किया और कुरान की कुछ आयतें पढ़कर उन्होंने वो शॉट दिया। फिर जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस वक्त रेशमा नहीं जानती थी कि कट बोलने पर शॉट खत्म हो जाता है, इसीलिए वो उसी जगह पड़ी रही जहां वो शॉट खत्म करने के बाद लेटी थी। फिर जब लोगों ने उन्हें आवाज देकर उठाया तो उन्हें पता चला कि डायरेक्टर के कट बोलने पर उन्हें रुकना होगा। उस दिन अपनी जिंदगी में पहली दफा रेशमा ने 175 रुपए कमाए थे, साथ ही 35 रुपए उन्हें किराए के लिए भी मिले थे। इसके बाद तो रेशमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उस जमाने की लगभग हर बड़ी अदाकारा के बॉडी डबल की हैसियत से फिल्मों में स्टंट किए। एक लड़की को स्टंट करते देखकर लोगों और खास तौर पर मर्दों को बड़ी हैरत हो रही थी। वक्त गुजरता गया और रेशमा फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड में आने लगी और साथ ही साथ वो खुद भी इंडस्ट्री को जानने समझने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि करियर की शुरुआत में कई लोगों ने उनकी शराफत का गलत फायदा उठाया और उनसे बहुत ही कम पैसों में खतरनाक स्टंट कराए। साथ ही कुछ लोगों ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की, उन्हें हीरोइन बनने के लालच तक दिए गए। कई दफा तो कुछ हीरो भी रेशमा पर बुरी नजर डालने वालों में निकले, लेकिन रेशमा ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया और कभी किसी को अपना गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया। साल 1974 में रेशमा पठान मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनी थी। हालांकि ये बात भी गौरतलब है कि अपने साथ हुई कुछ धोखाधड़ियों के बाद जब रेशमा पहली दफा मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत लेकर पहुंची थी तो ये कहकर उन्हें टरका दिया गया था कि वो एसोसिएशन की मेंबर नहीं है, इसीलिए उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया जा सकता। फिर जब रेशमा ने एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया तो शुरुआत
में तो लड़की होने के चलते उन्हें मेंबर बनाने से मना कर दिया गया, लेकिन आखिरकार उनकी जिद के आगे एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स को झुकना ही पड़ा और इस तरह उन्हें भारत की पहली ऑफिशियल स्टंट वुमन होने का दर्जा हासिल हुआ। फिल्मों में स्टंट करने वाले कलाकार अक्सर अपनी जान हथेली पर रखकर अपने घरों से निकलते हैं। रेशमा पठान भी हर दिन अपनी जिंदगी की बाजी लगाने के लिए ही अपने घर से निकलती थी। कई दफ़ा उनके साथ छोटे छोटे हादसे हुए, लेकिन दो फिल्में ऐसी रही जिसमें उनके साथ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक घटनाएं हो गई। पहली घटना घटी थी शोले फिल्म में स्टंट शूट करने के दौरान। दरअसल शोले में रेशमा हेमा मालिनी की बॉडी डबल के तौर पर काम कर रही थी। शोले का वो सीन जब गब्बर के आदमी बसंती को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और बसंती अपना तांगा दौड़ा देती है, वो 90% सीन रेशमा पठान ने ही किया था। इस सीन की शूटिंग के दौरान जब तांगा पलटा था तो रेशमा पठान बुरी तरह घायल हो गई थी। सबको लगा था कि अब शायद कई दिनों तक रेशमा दोबारा शूटिंग पर नहीं आएंगी, लेकिन चूंकि उसी दौरान ही रेशमा की बहन की शादी होनी थी और उन्हें पैसों की जरूरत थी तो अगले ही दिन वो फिर से काम पर वापस लौट आई और फिल्म में अपना बाकी काम निपटाया। आपको जानकर हैरत होगी कि शोले में एक क्षण के सीन के लिए रेशमा पठान नजर भी आई थी। दरअसल होली सॉन्ग के बाद जब गब्बर गांव पर अटैक कर देता है तो उस सीन में गांव के लोग गब्बर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब गांव के लोगों की भीड़ में एक छोटी बच्ची भी भागते हुए नजर आती है और वो बच्ची गब्बर के डाकुओं के घोड़ों तले कुचली जाती। इससे पहले ही एक महिला उसे बचा लेती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि रेशमा पठान ही थी। दूसरा खतरनाक हादसा जो रेशमा पठान के साथ हुआ था वो घटा था ऋषि कपूर की कर्ज फिल्म की शूटिंग के दौरान। कर्ज फिल्म में रेशमा ने अभिनेत्री दुर्गा खोटे के बॉडी डबल के तौर पर काम किया था। फिल्म के एक सीन में दुर्गा खोटे को ट्रक टक्कर मार देता है। जाहिर है ये सीन रेशमा पठान पर ही फिल्माया जाना था। रेशमा को बताया गया था कि ट्रक तुम्हारे पास आकर ब्रेक मारेगा और तुम इस तरह गिरोगी जैसे तुम्हें ट्रक ने टक्कर मार दी हो। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई थे। उन्होंने चुपके से ट्रक ड्राइवर के कान में कह दिया कि हल्की स्पीड पर तुम रेशमा को सच में टक्कर मार देना। फिर जब ये शॉट शुरू किया गया तो रेशमा को लग रहा था कि उन्हें तो तब गिरना है जब सुभाष घई उन्हें इशारा देंगे, इसीलिए वो बेफिक्र खड़ी रही। और फिर जब पीछे से आए ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी तो वो जमीन पर जोर से मुंह के बल गिरी और उन्हें बहुत चोटें आई। किसी तरह उठकर उन्होंने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे खूब गालियां बकी। तब ट्रक ड्राइवर ने रेशमा पठान को बताया कि ऐसा करने के लिए उसे डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा था। ये सुनने के बाद तो रेशमा सुभाष घई पर बहुत भड़की। उन्होंने सुभाष घई को भी खूब खरी खोटी सुनाई और फिर दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं किया। यानी अगली दफा जब आप कर्ज फिल्म का दुर्गा खोटे का वो ट्रक वाला सीन देखें तो इस बात पर गौर जरूर रखें कि ये सीन रेशमा पठान ने शूट किया था और इस सीन के शूट के दौरान रेशमा पठान को सच में ट्रक ने टक्कर मारी थी। रेशमा की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने शकूर पठान से शादी की थी। उन्हीं से शादी करने के बाद रेशमा के नाम के साथ पठान सरनेम भी जुड़ा था। शकूर पठान खुद भी एक स्टंट मैन थे। यूं तो रेशमा पठान कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके सभी भाई बहन शादी करके सेटल्ड हो चुके हैं और सबसे बड़ी होने के बावजूद इनकी लाइफ अभी सेटल्ड नहीं है तो इन्होंने भी शादी करने का फैसला कर लिया। शकूर पठान इन पर बहुत फिदा थे। ये भी मन ही मन उन्हें पसंद करती थी और आखिरकार 32 साल की उम्र में रेशमा पठान ने शर्त पर शकूर पठान से शादी कर ली कि वो कभी भी इन्हें काम करने से नहीं रोकेंगे। इनका एक बेटा है जो पेशे से डॉक्टर है और शादीशुदा भी है। इनकी बहू भी डॉक्टर है। इतना ही नहीं, रेशमा ने ही अपनी एक बहन के दो बेटों की परवरिश की थी। उनमें से एक आज इंजीनियर है और दूसरा एक कार कंपनी
कंपनी में मैनेजर है। जिंदगी के एक दौर में रेशमा ने ऐसे हालात भी देखे जब उनके पास काम नहीं था और घर में भी एक पैसा नहीं था। ये बात सन 1984 की है। उस साल फिल्मों में स्टंट करने पर बैन लगा दिया गया था। इस कानून के चलते कई स्टंट आर्टिस्ट एक झटके में बेरोजगार हो गए। रेशमा और उनके पति शकूर की माली हालत भी अचानक ही खस्ता हो गई। अचानक आई पैसों की उस तंगी से ये बहुत परेशान हो गई। बच्चे भूख से तड़प रहे थे लेकिन इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में रेशमा को याद आया कि वो अक्सर अपने पास आई चिल्लर को घर के कई कोनों में रखती रहती थी। रेशमा ने तभी घर का हर कोना खंगाल लिया और इनके पास 1600 रुपए चिल्लर के तौर पर जमा हो गए। वो चिल्लर मिलने के बाद उस दिन जो रेशमा और उनके पति को राहत की सांस आई थी, वैसी पहले कभी नहीं आई थी। साल 2000 के बाद अपनी उम्र के चलते रेशमा पठान जी ने फिल्मों में बॉडी डबल का काम करना बंद कर दिया था। वो अपना पूरा वक्त अपने परिवार को देने लगी। CCFA यानी क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स ने रेशमा पठान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन रेशमा पठान को असली सम्मान उस वक्त मिला जब अभिनेत्री सई देवधर और अभिनेता शक्ति आनंद ने मिलकर रेशमा पठान की बायोपिक बनाई, जिसे आदित्य सरपोद्दार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री विदिता बाग ने रेशमा पठान का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म का नाम था द शोले गर्ल और इस फिल्म में रेशमा पठान के जीवन संघर्षों और उनकी मेहनत को बहुत ही करीबी से और खूबसूरती से दिखाया गया था। ये फिल्म साल 2019 में OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था। कई साल चले अपने करियर में रेशमा पठान ने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में बॉडी डबल और स्टंट वुमेन की हैसियत से काम किया था। लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के लिए इन्होंने बॉडी डबल का काम किया। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां सिर्फ पर्दे पर चमकते सितारों पर ही सारी दुनिया का ध्यान रहता है, वहां रेशमा पठान और उनके जैसे लाखों लोग अपनी कड़ी मेहनत से उन सितारों की चमक में हर दिन कई गुना इजाफा करते हैं। लेकिन ये अफसोस की ही बात है कि रेशमा पठान जैसे लोगों को कभी भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जिनके वो असलियत में हकदार हैं। मगर किस्सा टीवी हमेशा से ही ऐसे मेहनतकश कलाकारों का सम्मान करता आया है और हमेशा करता भी रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में रेशमा पठान जी ने जो अपना शानदार योगदान किया है, उसके लिए किस्सा टीवी रेशमा पठान जी को सैल्यूट करता है। जय हिंद।